Hi, my name is Hamad Ali और हमारे कोर्स Android Application Development का अगला पार्ट है जिसमें हम अलर्ट बॉक्स को देख रहे थे। अलर्ट बॉक्स के अंदर हम अभी तक जो देख चुके हैं वो सिंपल अलर्ट बॉक्स को देखा है, और उसके बाद हमने मल्टीपल आइटम्स के साथ अगर हमें अलर्ट बॉक्स को जनरेट करना हो तो उसको हम देख चुके हैं। आज हम थोड़ा सा देखेंगे कि हमने अगर कस्टम लेआउट जनरेट करना हो अलर्ट बॉक्सेस के लिए तो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम जिस तरह लेआउट की एक फाइल क्रिएट करेंगे और उसका हम यहाँ पे कुछ भी नाम रख लेते हैं। लेआउट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लीनियर है, हम इसी पे ही लेके चले जाते हैं। और सबसे पहले लेट से हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू डिफाइन कर लेते हैं जिसकी विड्थ हम मैच पेरेंट कर देते हैं, हाइट हम हाइट रैप कंटेंट कर देते हैं, इसको हम कोई भी आईडी दे देते हैं, टीवी टाइटल, और इसके अलावा इसके ऊपर जो कोई टेक्स्ट अगर डिफाइन करना है तो उसका साइज डिफाइन कर देते हैं लेट से 30 dpi। टेस्टिंग के लिए हम इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हमारे पास जो टेक्स्ट आएगा उसका साइज क्या होगा। यहाँ पे हम अगर डिजाइन व्यू में जाके देखें तो हमारे पास कुछ कितना साइज में टाइटल लिखा हुआ है। इसके अलावा लेट से मुझे यहाँ पे यूज़र का लॉगिन बनाना है तो मैं यहाँ पे एडिट टेक्स्ट लिख देता हूँ, बिट्स मैच पेरेंट है, रैप कंटेंट है, और इसकी आईडी डिफाइन कर देते हैं 80। लेट से मैं इसको यूज़र कर देते हैं और क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे एक हिंट डिफाइन कर देते हैं, हिंट पे हम डिफाइन कर देते हैं। इसी तरह का एक एडिट टेक्स्ट और बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर देते हैं पासवर्ड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बनेगी। उसके बाद हम यहाँ पे एक लीनियर लेआउट डिफाइन कर देते हैं, विड्थ इसकी मैच पेरेंट है, और रैप कंटेंट इसको सेट कर देते हैं, और ओरिएंटेशन इसकी हॉरिजॉन्टल सेट कर देते हैं। इसके अंदर हम दो बटन डिफाइन कर लेते हैं अपने, एक बटन हम उसको डिफाइन कर देंगे ओके का और एक बटन हमारा कैंसिल का। वैसे ये बटन हम यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं और इसके अलावा हम इन बटन्स को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम बटन इसमें डिफाइन करें या बाहर करें। वैसे हम बाय डिफॉल्ट जो बटन इसके होते हैं उसी को यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे भी हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। हाँ, लेकिन अगर हम अपने बटन को कस्टमाइज़ करना है, कस्टम बटन बनाने हैं, तो फिर हम यहाँ पे उनको डिफाइन करेंगे। सिंपल यहाँ पे हम मेन एक्टिविटी में जाएंगे और उसी तरह जिस तरह पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते थे पब्लिक वाइट और क्रिएट डायलॉग के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम उसी तरीके से अलर्ट बिल्डर कॉल करेंगे, डॉट बिल्डर इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। ठीक है जी,
यहाँ पे हम पास करेंगे एक्टिविटी का। उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो काम करना है बिल्डर डॉट सेट व्यू, ठीक है। अब इस व्यू को हमने पास करना है एक व्यू, और वो व्यू हमें कहाँ से मिलेगा, लेआउट इन फिल्टर के थ्रू। तो सबसे पहले तो हम लेआउट इन फिल्टर बना लेते हैं। इन फिल्टर इज इक्वल टू गेट लेआउट इन फिल्टर, चूँकि हम एक्टिविटी की क्लास में हैं तो हमें यहाँ पे लेआउट इन फिल्टर फंक्शन डायरेक्टली कॉल हो जाएगा। इन्फ्लेटर से हम कॉल करेंगे उसका फंक्शन इन्फ्लेट, और इसको पास करेंगे हम अपना जो हमने लेआउट बनाया आर डॉट लेआउट डॉट अलर्ट डायलॉग। और दूसरी चीज़ जिसको पास करेंगे हम वो पास करेंगे उसका कि उसकी रूट जो हमारे पास है वो क्या है। इसका रूट अगर कोई डिफरेंट है तो हम उसका ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अभी चूंकि हम लेआउट की अलग से फाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसका रूट हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पे हम सिर्फ नल पास कर देंगे। ये जो इन्फ्लेट का फंक्शन है रिटर्न करेगा हमें एक व्यू, और ये व्यू हम पास कर देंगे बिल्डर डॉट सेट व्यू के लिए, ठीक है। उसके बाद बिल्डर डॉट सेट पॉजिटिव बटन, और पॉजिटिव बटन के अंदर लेट से हम कहते हैं साइन इन, और इसके बाद दूसरी जो इसको पैरामीटर पास करना है वो लिसनर का पास करना है। लिसनर में हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जो ऊपर से इंफॉर्मेशन आई है उसकी बेस पे हम बता सकते हैं कि यूज़र ने जो लॉगिन पासवर्ड दिया है वो ठीक है या गलत है। इसी तरह बिल्डर डॉट सेट नेगेटिव बटन कैंसर, और दूसरा जो हमारे पास पैरामीटर होगा वो होगा पैरामीटर साइन ऐड करेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डायलॉग डॉट डिसमिस, डायलॉग को बंद कर दें। और लॉगिन के केस में हम हो सकता है कि यू करें कि हमारे पास ऊपर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है व्यू का, व्यू के साथ हम फाइंड व्यू बाय आईडी लगा के डॉट एटी यूज़र यूज़र नेम को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एडिट टेक्स्ट में बनेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे भी एटी यूज़र है, ठीक है। और इसी तरीके से मैं पासवर्ड का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो व्यू है इसके ऊपर एरर आ रहा है, वो इस वजह से कि हम इसको एक और क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं जिसको जो कि उसका हमें पता नहीं है कि वो वहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है नहीं होता, दैट्स व्हाई इसको हमें फाइनल करना पड़ेगा क्योंकि इसकी स्टेट जो है वो चेंज हो सकती है। जब भी हम इनर क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेंगे तो हमें अपने आउटर ऑब्जेक्ट को या तो फाइनल करना पड़ेगा या फिर उसको क्लास लेवल का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। लेट्स से अभी हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा जो लॉगिन पासवर्ड है वो डेमो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेता हूँ, इफ ईटी यूजर डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स डेमो एंड ईटी पासवर्ड डॉट गेट टेक्स डॉट इक्वल्स डेमो। तो हम यहाँ पे अपना एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट यू आर साइन
और अल्स के इसके अंदर हम सॉरी इसके हमने थर्ड पैरामीटर नहीं पास किया, टोस्ट डॉट लेंथ डॉट इसकी शो भी नहीं करवाया। इसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। अभी हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की है, उसको क्रिएट नहीं किया। यहाँ पे अलर्ट डायलॉग और उसके बाद हम नेट को शो भी करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद जब हमने शो करवा लिया तो उसके बाद हमारे पास वही एक जो बटन है क्लिक में, उसके ऊपर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे आर डॉट आईडी डॉट और यहाँ पे हम इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास डायलॉग बॉक्स जनरेट हो गया है। अब लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी, मैं इसको साइन इन करता हूँ तो मुझे कहता है रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड। लेकिन दोबारा से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन किसी वजह से फेल हो गई। यहाँ पे अगर मैं कैंसिल का बटन प्रेस करूँगा तो डायलॉग बॉक्स गायब हो जाएगा, और अगर मैं इसको पासवर्ड वो दूंगा जो मैंने वहाँ पे डिफाइन किया हुआ है अपने पास, तो मेरे पास जब मैसेज आएगा वो आएगा रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, तो अभी हमारे पास यू साइन इन आ गया है। बस फर्क यह है कि हमने अलर्ट डायलॉग बॉक्स में जहाँ पासवर्ड लिखा है वहाँ पे इनपुट टाइप जो है उसको भी हमने पासवर्ड में कन्वर्ट कर देना, ताकि पासवर्ड जो है वो विजिबल ना हो।
है, तो ये यू आर साइन इन। और अगर पासवर्ड कुछ गलत देता हूँ तो यहाँ पे क्या देता है, रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड। तो इस तरीके से हमने अपनी मर्जी से कस्टम लेआउट के साथ भी अलर्ट बॉक्स को जनरेट करके देख लिया और उसकी वर्किंग भी देख ली। इस तरीके से आप इसके अंदर किसी भी किस्म का कंपोनेंट, एडिट टेक्स्ट के अलावा भी किसी भी किस्म का जो भी इनपुट टाइप की जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्जी का अलर्ट बॉक्स बना सकते हैं। अलर्ट बॉक्स के लिए बस इतना ही, उसके लिए फिर हम नेक्स्ट जो है वो हम डिफरेंट टॉपिक्स को देखेंगे। Thank you.